प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना दोपहर मूल में हुई। इस घटना से मूल में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम बंडू उर्फ रामचंद्र नीमगढ़े है, उम्र 45। मृतक का पड़ोस में रहने वाली एक विवाहिता से कई वर्षों से संबंध चल रहा था। सोमवार की दोपहर तनाव में बंडू नीमगढ़े बोतल में पेट्रोल लेकर आया और अपनी प्रेमिका महिला के घर गया, जिसकी उस महिला से अवैध संबंध थे। अपने पड़ोसन प्रेमिका के शरीर पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसे जिंदा मारने की कोशिश की। उसके पश्चात नीमगढ़े अपने घर गया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना दोपहर 2 बजे के बीच की है। पेट्रोल से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चंद्रपुर में भर्ती कराया गया है। इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक रविन्द्र सिंह परदेशी ने मौके का दौरा किया। आगे की जाँच प्रभारी थानेदार बंसोड़ कर रहे हैं। पेट्रोल सारखा ज्वलनशील पदार्थ अंगावर ओतून तिचेच परिचित असलेल्या इसमाने जाळून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला। त्यात ती महिला 28% भाजले गेलेली आहे। त्यांना तात्काळ दवाखान्यात उपचारार्थ भरती करण्यात आले आणि त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे। आणि त्यानंतर याच गुन्ह्यातील आरोपी यांनी बंडू उर्फ रामचंद्र रामेश्वर निमगडे राणार मूल यांनी स्वतःच्या घरात गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे प्राथमिकरित्या निदर्शनास आले। दोन्ही घटनांचा तपास चालू आहे आणि सर्व अंगाने या घटनेचा तपास करण्यात येत आहे। भारतीय दंड संहिता 307 अनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास SDPO उपविभागीय पोलीस अधिकारी मूल यांच्या मार्गदर्शनात मूलचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्रीयुत बनसोडे करीत आहेत। चंद्रपुर से BCN न्यूज़ के लिए सुनील ताइडे की स्पेशल रिपोर्ट।